Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. देश की सबसे बड़ी दूरसंचार कंपनी वोडाफोन आइडिया लिमिटेड एक बड़े घाटे की बात अपने नेटवर्क को बढ़ाने और अपने प्रतिद्वंदी कंपनी जियो और एयरटेल को टक्कर देने के लिए 2019-20 के लिए नई योजना बना रही है। दरअसल कंपनी 2019-20 में करीब 27,000 करोड़ रुपए का निवेश करने जा रही है। कंपनी के दस्तावेजों से यह पता चला है। साथ ही कंपनी ने वोडाफोन इंडिया और आइडिया सेलुलर के पूर्ण रूप से एकीकरण यानी कि पूरे विलय का समय कम कर वित्त वर्ष 2020-21 कर दिया है, जो पहले 2022-23 था। दस्तावेजों के अनुसार यह नई कंपनी वित्त वर्ष 2019-20 में करीब 270 अरब रुपए यानी कि 27,000 करोड़ रुपए के निवेश की योजना है। कंपनी का कहना है कि विलय प्रक्रिया पूरी करने के लिए समय सीमा 2 साल आगे किए जाने से निवेश करीब 8,400 करोड़ रुपए बढ़ेगा। साथ ही साथ वोडाफोन इंडिया और आइडिया सेलुलर के उपकरणों को नए सिरे से तैनात करने के लिए करीब 6,200 करोड़ रुपए खर्च होंगे। मिली जानकारी के अनुसार नई कंपनी की योजना इंडस टावर्स में करीब 11.15% हिस्सेदारी बेचने की भी है। इससे नई कंपनी को करीब 5,000 करोड़ रुपए प्राप्त होने का अनुमान है। विलय के बाद कंपनी का कर्ज 20 सितंबर 2018 तक 1,26,100 करोड़ रुपए था। 2019-20 में कंपनी का पूरा फोकस अपने नेटवर्क को एक्सपेंड करना, कर्ज को कम करना एवं वोडाफोन इंडिया और आइडिया सेलुलर की पूर्ण रूप से एकीकरण पर होगा। टेलीकॉम न्यूज की रिपोर्ट। For the latest telecom news, subscribe to this channel now.